भूषण ज्वेलर्स। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की एक निजी फैक्ट्री से लाखों की लेड बेटल्स चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कंपनी प्रबंधन की ओर से पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि 29 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने उनकी कंपनी से लाखों की लेड बेटल्स चोरी की है। तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बद्दी पुलिस इस लाखों की चोरी मामले को कुछ ही घंटे में सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से इस मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया है और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 आरोपी तो उसी कंपनी में पहले काम कर चुके थे, जबकि एक आरोपी बद्दी में ही कबाड़ की दुकान करता है और उसके पास इन आरोपियों ने इस सामान को बेचा था। उन्होंने कहा कि 5 को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद रिमांड पर ले लिया जाएगा और रिमांड के दौरान पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि मामले में 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इनमें से एक कबाड़ की दुकान करता है जिसने चोरी का सामान खरीदा था और 5 को कोर्ट नालागढ़ में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। कल जो है दोपहर को जो है लिपगार्ड कंपनी से एक कंप्लेंट आई थी कि उनकी कंपनी में जो है 29 तारीख की रात को तकरीबन 12-1 बजे के अराउंड जो है कुछ 1350 किलो लेड बुलेट्स की जो है चोरी हुई है, जिनकी वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख थी। तो उसी संदर्भ में पुलिस की टीम जो है वहाँ गई और उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को तलाशा और उनके जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे उनकी मदद से और जो उनके स्टाफ की मदद से जो है 4 लोगों को संदेह के आधार पर जो कंपनी ने रोका। और जब उन लोगों से जो पूछताछ की तो पाया कि इन चारों व्यक्ति जो कंपनी में ही पहले से कार्यरत थे, इन्होंने आपस में मिलीभगत करके जो है इस चोरी को अंजाम दिया था। और ये चोरी का जो सामान है जिसकी मूल्य तकरीबन 2.5 लाख थी, ये माल जो है पास ही में किसी कबाड़ की दुकान में बेचा था। तो पुलिस ने जो है इन चारों व्यक्ति और वो जो कबाड़ी है जिसको सामान बेचा था, इन 5 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आज जो है इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका जो है आगे जो है पुलिस रिमांड दिया जाएगा। तो और साथ ही साथ मैं जो SIS सिक्योरिटी है जो वहाँ पे डिप्लॉयड थी, उनका एक एम्प्लॉय रजत और जो लिपगार्ड के भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने इसमें चोरी को सुलझाने में पुलिस की बहुत मदद की और उनके हेल्प से और पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के दौरान जो है सीसीटीवी की मदद से भी जो है इस चोरी को जो है पुलिस ने जो है 12 घंटे के अंदर जो है चोरी होने के 12 घंटे के अंदर जो है सॉल्व कर दिया था। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।